राज्यपाल सातत्याने महाराष्ट्राचा अपमान करतायत हे महाराष्ट्र बघते आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल ते काय बोलले हे आपण सगळ्यांनी बघितलं, आणि आई सावित्रींबद्दल, महात्मा फुलेंबद्दल हे सगळं जर बोलत असतील तर हे कोणीच महाराष्ट्रामध्ये सहन करणार नाही. राज्यपालांना फक्त गोंधळ घालण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे आणि त्यांना राष्ट्रपती लाजवट लावायची आहे. सत्तेत येण्यासाठी ही सगळी धडपड, आणि राज्यपाल खरं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड असतं, त्यांनी या ठिकाणी निपक्ष वागलं पाहिजे, पण ते एखादी बाजू घेऊन इथं बोलत आहेत. मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये लोग महाराष्ट्र का अपमान बार बार करते हैं वो महाराष्ट्र यहाँ पे सहन नहीं करेगा. राज्यपाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र में गड़बड़ हो. ये बीजेपी वाले यहाँ पे सत्ता स्थापन करना चाहते हैं. एक्चुअली आपने देखा होगा कि इकबाल मिर्ची के जो 20 कोटि रुपए देनगी ली गई थी उसका क्या हुआ, किसने देनगी ली थी, क्यों ली थी, इन सारे मामले भी सामने आने चाहिए. आज नवाब मलिक साहब का राजीनामा मांगने का इनको नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब गृह राज्य मंत्री केंद्र के उनके बेटे ने किसानों के आंग के ऊपर गाड़ी लेकर उनको कुचल दिया, तब तो उन लोगों ने राजीनामा मांगा नहीं. इन लोगों का संबंध है और खामखा नवाब मलिक साहब का कोई संबंध नहीं होने के बावजूद भी उन्हें यहाँ पे छेड़ा जा रहा है. महाराष्ट्र का बार बार अपमान किया जा रहा है और यहाँ पे अशांति हो, यहाँ पे राष्ट्रपति राजवट लागू हो, इसलिए ये सब कर रहे हैं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.